नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पिछले 8 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सूरत अब और भी खूबसूरत हो गई है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को देंगे। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को काशी के टूरिज्म और स्पोर्ट्स के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशीवासियों को बड़ी सौगात देंगे, कई बड़ी चीजों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। कई बड़ी सौगातें देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता आफताब आलम जुड़ चुके वाराणसी से। आफताब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, उनको रिसीव करने के लिए कौन कौन पहुंचा है? जी, बता दें कि वहाँ पर आनंदी बन राज और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी वहां से रवाना होंगे। जी, अगर बात करी जाए सौगात की, तो प्रधानमंत्री काशीवासियों को आज कौन कौन सी सौगात दे सकते हैं? जी, सबसे पहले आपको बता दें कि अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज में वह जाकर के अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से जो मेगा किचन का उद्घाटन किया गया है, वह वहाँ पर आज 1 लाख बच्चों को खाना बनाने की जो मशीन बनकर के तैयार हुई है, जो किचन मेगा किचन के नाम से, उसमें सबसे पहले वहां जाएंगे और बच्चों के साथ वहां भोजन करेंगे। और भोजन करने के बाद वहां के लोगों से, अक्षय पात्र फाउंडेशन के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि वहां से सीधा आपके सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम आएंगे, जहां से 20,000 लोगों को वह संवाद करेंगे। लोगों को 4,000 लगभग किसान होंगे, वहां संवाद लोगों से संवाद करेंगे। उसके बाद वह वहां से रुद्राक्ष जाएंगे, जहाँ से शिक्षा की नीति को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के प्रभावी रोड मैप को की चर्चा करने के लिए एक मंच बनाया गया है, मंच प्रदान करेंगे। देश के विश्वविद्यालयों, केंद्रीय राज्य डीम्स निजी व राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों आईटीआई, आईएम, आईआईएम, एनआईटी, एनआईआईआर के कम से कम 300 से अधिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और संस्थान प्रमुखों को क्षमता निर्माण के हिस्से में के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है और उसका उद्घाटन करेंगे, वहाँ सभा को संबोधित करेंगे। अब अगर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे, तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है और कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए? जी, 12 चौराहों को सजा दिया गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा की जो सुरक्षा की एजेंसी जो है उनकी तरफ से सुरक्षा की जो प्रधानमंत्री की तरफ से वो लगा दी गई है, कली आ गई थी यहाँ पर और आकर के पूरी तरीके से तैनात है। यहाँ पर किसी को भी मतलब कि रोड डायवर्जन कर दिया गया, 12 जो रोडों को सजाया गया है कायदे से, और वहीं से मतलब जिस रोड से प्रधानमंत्री का आगमन होगा उस रोड को सजा दिया गया, उसी रोड से होगा जहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा मुस्तैद है। नमो घाट की बात करी जाए, जहाँ पे नमो स्टैचू बनाए गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। वहाँ पे प्रधानमंत्री कितने बजे जाएंगे और अनावरण करेंगे स्टैचू का? तो प्रोग्राम को अभी नमो घाट को अभी वहाँ से प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया है। बता दें आपको कि वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, उसको लेकर के अभी वहाँ पर जाने का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया है। जी, जब भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाराणसी आते हैं तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जरूर जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का समय क्या बताया जा रहा है? जी, आपको बता दें कि एक वहाँ पर 39 करोड़ की लागत से जो दशा सुमेध भवन बना हुआ है उसको लेकर के वहाँ पर जाएंगे, वहाँ लोकार्पण करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वहीं से वो दर्शन पूजन भी करेंगे। और जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए प्रधानमंत्री के हर एक गतिविधि पे, हमें अपडेट देते रहिए। इस खबर में हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता आफताब आलम जुड़े थे। तो 4 घंटे काशी में ही रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी पहुंच चुके हैं, वाराणसी के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें खुद लेने गए हैं और कई आज बड़ी सौगातें देने वाले काशीवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।